ओके तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैं चांदनी चौक आ चुका हूँ और ये वही चांदनी चौक है जहाँ पहले बड़ी चहल पहल रहती थी। छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार आज बहुत ही मुसीबत में चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से और यहाँ पर बड़ी परेशानियों को झेल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते थे, काफ़ी भीड़ होती थी, इतना रश होता था कि लोग यहाँ पैर भी नहीं रख पाते थे। तो गाइज चलो मिलते हैं ऐसे दुकानदारों से, वो क्या कहते हैं कि कोविड-19 से क्या इफेक्ट पड़ा है उनकी शॉप पर और क्या वो फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर। एंड मेरे नियर बाय एक शॉप है क्लॉथ की जिसपे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ही आगे की तरफ चलते हैं। और ये शॉप है जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई खुद यहाँ बैठे हुए हैं। स्पेशली पहले इतनी भीड़ होती थी इन शॉप्स पे कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज दुकानदार बड़े ही निराशापूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हेलो सर, क्या नाम है आपका? इस्लाम नाम है। इस्लाम जी? इस्लाम जी मेरे साथ है। इस्लाम जी मैं जानना चाहता हूँ कि शॉप जो पहले थी इससे कितना क्राउड रहता था यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ा है, 10% ग्राहक भी नहीं है यहाँ पर। तो गाइज़ आप सुन सकते हैं 10% ग्राहक भी नहीं है। कोविड-19 ने हमारे इंडिया के इकोनॉमिक को इतना ही डाउन कर दिया है जिससे हम इतना कुछ फेस कर रहे हैं। और सर मोस्टली जब भी यहाँ पर कितना का क्राउड होता होगा? पहले बहुत रश था यहाँ पर, बहुत फुर्सत नहीं होती थी हमारे पास, जैसे कोरोना के बाद सर बिल्कुल खाली खाली सा है। बस ये खाली खाली आप देख सकते हो, हर जगह खाली मिलेगा। और सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 से उभरे। एक्चुअली सर हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं, और कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अभी? प्रॉब्लम ये बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं, बाहर से ग्राहक नहीं आ पा रहा। यहाँ 90% ग्राहक बाहर का ही है, दिल्ली से बाहर का ही, वो आता ही नहीं है, तो इस वजह से काम और भलता है, काम हो नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो थैंक यू सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा इस्लाम जी। और मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे ओनर्स हैं शॉप्स के जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मोस्टली है जैसे कि सर ने बताया कि काफ़ी कस्टमर आते थे लेकिन अब कोई भी कस्टमर नहीं है। और हेलो सर, हाय, कैसे हैं आप? सर आपका नाम? अंकित महेश्वरी। अंकित जी मैं जानना चाहूँगा कि कोविड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है आपकी शॉप पर? ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कोई भी बाहर से लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाता यहाँ पे, तो दिल्ली में तो काफ़ी इस टाइम फर्क है। तो वैसे जो जब यहाँ पर भीड़ होती थी, चहल पहल होती थी, तो दुकान में जब पैर रखने की जगह होती थी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम होता था, सब बहुत बढ़िया। बहुत कम हो चुका कोविड की वजह से, बिल्कुल खाली पड़ा है। लोकल कस्टमर्स आ रहे हैं? लोकल एक आधे आ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट का काम है। ओके, टूरिस्ट ही आते हैं मोस्टली। ओके तो गाइज जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की टाइम में डिजिटल होना भी बहुत ज़रूरी है मैक्सिमम। सर मैं जानना चाहता हूँ कोई आपकी ऐसी वेबसाइट है जैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ऐसे कोई है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है अभी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है ब्लू लेमन टेक्नोलॉजी, जो आपको 1000 रुपये में डिजिटल करती है। वैसे और जो कंपनियाँ हैं वो 60 से 70-80 हज़ार रुपये लेती है मोस्टली, और हमारा यही मकसद है कि हर एक कस्टमर अमेज़ोन की तरह अपना सामान बेच सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जितना भी मार्जिन आया, आपने इसकी पिक्चर अपलोड करी, कोई भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, ये बिक जाएगा और वो ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो गाइज ऐसी ही काफ़ी सारी मुसीबतें फेस कर रहे हैं सारे जितने भी यहाँ पर दुकानदार है, बड़ी मुश्किलों से चला रहे हैं अपनी दुकानों को और इनको बहुत दिक्कतें हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं और काफ़ी दुकानदारों से बात करते हैं। हेलो सर, क्या हाल है? जी भैया, एक्चुअली मैं सर से मिला था थोड़ी देर पहले, तो मेरी बात उनसे उनके लिए रिकॉर्डिंग के आपका बिजनेस कैसा रन कर रहा है कोविड-19 के बाद, और कोविड-19 से पहले कैसा रिस्पांस था और अब कैसा रिस्पांस है? सर कोविड-19 से पहले तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बट अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना देश के अंदर, उस पर जब तक वैक्सीन नहीं बनती तो पब्लिक के अंदर डर बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो इसीलिए लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने जो है कोई भी काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। जब तक वैक्सीन नहीं बनती जब तक कुछ नहीं हो सकता, हमारे काम के अंदर 50% माइनस हो गया है। बिल्कुल। अच्छा मेरे को ये भी मैंने ये सुना है कि जब यहाँ पर जब कोविड-19 नहीं था तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल सर, आज इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना अच्छा काम था उस टाइम, अच्छा काम का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, फुर्सत नहीं होती थी हमारे को, और आज जो है एक कस्टमर के लिए पूरा पूरा दिन खाली बैठना पड़ता है।
भाई, जैसे कि आपने सुना के सर ने मुझे बताया इतनी प्रॉब्लम चल रही है, सर आपका गुड नेम? माय नेम इज करण। करण जी ने जैसे मेरे को बताया कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, ये सभी ओनर इस शॉप के काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो हेलो सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि COVID-19 की वजह से अब आपकी दुकानदारी जो है वो कैसी चल रही है, उससे पहले कैसी चल रही थी और अब कैसी चल रही है? सर इस समय तो प्रॉब्लम तो है ही, आपको जानकारी, मुझे भी जानकारी, पब्लिक अनुसार काम नहीं है यहाँ पे इस समय, काफ़ी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं आप। क्या करें, देश सबके ऊपर जो हमारे अच्छा उपर... मैं जानना चाहता हूँ ये रेंट पे ले रखी है आप? नहीं, ये खुद मालिक है सर। खुद मालिक है? यस। ओके। और फिर भी काफ़ी सारी कस्टमर्स है मैं जैसे कि जो बाहर से आते हैं, अभी भी भीड़ चल रही है लेकिन इतनी नहीं है, कितने कस्टमर्स अब आते हैं और कितने नहीं आते मैक्सिमम? सर अभी तो फिलहाल हल्का ही है, हल्का काम चल रहा है आपका। तो गाइज देख सकते हैं बहुत ही परेशानी है। ओके, तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक वही चांदनी चौक है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज ये उजड़ा चमन है। स्पेशली यहाँ पर आप इजिली खेल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं और यहाँ लेट भी सकते हैं, इतनी खाली जगह है। और एक और दुकानदार जिनके पास मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर ओनर। हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? अनुज जैन। अनुज जैन जी, सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप COVID-19 से पहले और COVID-19 के बाद आप क्या क्या फेस कर रहे हैं? सर आजकल तो सेल ही नहीं हो रही, तो डिफिकल्टी वाली बात है कि हम कहाँ से तो सब चीज़ें बियर करें और कैसे करा जाए। बिल्कुल, काफ़ी सारे खर्चे जो आपको निकालने होते होंगे शॉप से रिलेटेड। खर्चे ही निकल ही रहे, तो जब सेल ही नहीं हो रही तो खर्चे कैसे निकलेंगे? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ सीड़ रहती थी, वो ये आए दिन संडे सैटरडे भी ऐसा होता है या मोस्टली यही? वो चीज़ खत्म हो गया, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। वह ट्रैफिक की वजह से होती थी वो डिफिकल्टी, तो बट अब वो डिफिकल्टी नहीं रही, बट कस्टमर भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं आ रहा, कुछ दो नहीं बात। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी प्रॉब्लम यहाँ के ओनर झेल रहे हैं, एक शॉप को चलाने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं स्पेशली, और ये वही चांदनी चौक है जहाँ पर आए दिन ये इतना प्रॉफिट कमाते थे और आज कुछ भी नहीं है। राइट सर? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये तो था एक छोटा सा सर्वे, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सबको पता है कि COVID-19 की वजह से सबके रोजगार ठप हो चुके हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कस्टमर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। चाहे कोई रिटेल में डील करता हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर हो, इम्पोर्टर हो या फिर हो मैन्युफैक्चरर, आजकल हर कोई ऑनलाइन आ चुका है। दोस्तों आप भी आ सकते हैं ऑनलाइन और अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, वो भी सिर्फ 1000 रुपीज में, 1000 रुपये में अपना ऑनलाइन स्टोर खोल के अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकते हैं और ग्लोबली आप उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और 1000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट है, मंथली EMI की तरह आपकी जो पेमेंट है वो 1000 रुपये आपकी जाएगी और आप 1000 रुपये से लाखों रुपये अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट बनवाने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपीज में आपको कॉन्टेक्ट करना होगा ब्लू लेमन टेक्नोलॉजी से, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इनकी email ID दी गई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल गाइज, वेलकम टू वन एंड ओनली अजीत बिजनेस आइडिया, मैं आपका होस्ट बाबा। गाइज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे पता है कि आपने अभी अभी नई शॉप खोली है, मुझे पता है आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? वन एंड ओनली COVID-19 जिसने हमारे पूरे देश को डुबा डाला है। गाइज हमें अपने बिजनेस चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी बिजनेस हमारे पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है गाइज? क्योंकि ऑनलाइन वर्क शुरू हो चुका है। वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे वो आज धड़ाधड़ ऑनलाइन अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, और आप भी अपने आप को डिजिटल बना सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपकी एक छोटी दुकान है, आपके पास कस्टमर्स है, आप उसे कैसे ऑनलाइन करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपके कपड़े की दुकान है, तो आप कस्टमर्स को ऑनलाइन जाके अपने कपड़े सेल कर सकते हैं अपनी एक वेबसाइट के थ्रू। गाइज वैसे वेबसाइट बनाने के कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, 1 लाख तक लोग ले लेते हैं, और ये जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर स्पेशली 1000 में आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। हाँ आपने सही सुना, 1000 रुपये में मात्र आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और छा सकते हैं। तो गाइज क्यों ना आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1000 रुपये में अपनी लाइफ को कैसे ईजी करें और डिजिटल से ग्लोबल कैसे हो, तो गाइज बहुत ही ईजी है। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी जितनी भी ऐप्स है ये ऑनलाइन पेमेंट लेती है, वैसे ही आप भी ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, बस घर बैठना है और आपको अपने बिजनेस को डिजिटल करना है। ब्लू लेमन टेक्नो से आप जुड़ सकते हैं, और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा इसे 5 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, ये बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी है और ये आपकी हेल्प करेगी वेबसाइट को चलाने में, वेबसाइट को बनाने में, और वेबसाइट कैसे रन करते हैं उन सभी डिटेल आपको दी जाएगी। और एक चीज़ और कि गाइज आपको डाउन टू
आप लेके जाने में ही आपकी मदद करेगी। तो गाइस बस ऐसे ही जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट बाबा और आप अजीत बिजनेस आइडिया पे, जहाँ पर हम आपकी हर एक चीज को हेल्प से ग्रो करते हैं और आपको ले जाते हैं आसमानों की तरफ। तो बस ऐसे ही मस्ती करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, शब बख़ैर, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।